बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान। आज जो मैच हुआ वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के माबैन हुआ। दोनों टीमें अपनी फॉर्म में थी। इंग्लैंड को ये मैच हर हाल में जीतना था क्योंकि न्यूजीलैंड का स्कोर बहुत अच्छा जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया उनके मुकाबले में थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को लंबे और ज़्यादा स्कोरों से हराया था। अब चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड ने जनाब टॉस जीता और डिसाइड किया कि उन्होंने बैट करना है। ये ऑस्ट्रेलिया में दिगाबा ग्राउंड में ये मैच हुआ। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बटलर ने 73 रन की 47 बॉल खेली, 7 चौके और 6-2 छक्के लगाए। हैरिस हेल ने आके 52 स्कोर किया, 40 बॉलें खेली, 7 चौके और 1 छक्का लगाया। मोहम्मद अली ने 5 स्कोर किया, 6 बॉलें खेली। लिवस्टोन ने 20 किया, 14 बॉलें खेली, 1 चौका 1 छक्का इनकी इनिंग्स में था। ब्रोक ने आके 7 स्कोर के 3 बॉलें 1 चौका खेला। स्ट्रॉक ने आके 8 स्कोर 7 बॉलें खेली। क्यूरन 6 स्कोर 3 बॉलें खेली और 1 छक्का इनकी ही स्कोर में शामिल हुआ। डी मिलान ने 3 स्कोर किया, 1 बॉल खेली और यूं एक्स्टर ने 5 रन दिए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ न्यूजीलैंड की तरफ से। टोटल रन 179 हो चुके थे। पहली विकेट जो गिरी थी वो गिरी थी 81 स्कोर के ऊपर, एक खिलाड़ी आउट था। फिर 108 पर दूसरी विकेट गिरी यूप वन मोहम्मद अली की। फिर मफियान 53 पर 3 आउट हुए, लिवस्टोन की विकेट गिरी और फिर 160 पर 4 ब्रोक आउट हुए। 162 पर 5 खिलाड़ी और बटलर ने उस वक्त अपनी ये विकेट खोई थी। 776 पर 6 आउट हुए थे और स्टॉक ने अपनी विकेट खोई थी लास्ट बॉल में या आखिरी सेकेंड लास्ट बॉल 20 ओवर में। T20 का ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार होती जाती है। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम बुलेट ने 4 ओवर की 40 स्कोर की, इस वक्त उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। साउथी ने 4 ओवर 43 स्कोर 1 विकेट की विकेट ली। सेंटर ने 4 ओवर 25 स्कोर 1 विकेट ली। फिर गोसिस ने 4 ओवर 45 2 आउट किए। सोडी ने आके 4 ओवर के 23 और 1 विकेट ली। लिहाजा अब इंग्लैंड को बहुत अच्छा टारगेट मिल गया था 179। न्यूजीलैंड को ये टारगेट चेस करने के लिए बुलाया गया। न्यूजीलैंड के आलन ने आके 16 स्कोर किए, 11 बॉलें खेली, 1 छक्का लगाया। कॉनवे ने आके 3 स्कोर किए, 9 बॉलें खेली। विलियमसन ने आके 40 स्कोर 40 बॉलें खेली, तो विकेट पर रुके 3 चौकों की मदद से इन्होंने 40 स्कोर किया। फिलिप्स ने आके 62 किए, 36 बॉलें खेली, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। जी नशम ने 6-3 1 चौका लगाया। मिचेल ने 3 बॉलें खेली, 3 स्कोर किए, 5 बॉलें खेली। इसके बाद सेंटर ने 16 स्कोर किया, 10 बॉलें खेली, 1 छक्का लगाया। सोडी ने आके 6 बॉलें खेली और 6 ही स्कोर किया, एक्स्ट्रा 7 दिया। यू 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 159 का टारगेट इनसे चेज ना हो सका 179 का और आखिर 159 पर ही आउट हो गए। पहली विकेट इनकी 8 स्कोर पे गिरी डी कॉनवे की तो, और इसके बाद 28 दूसरा ओवर था ये जा रहा और 28 पे फिर 2 आउट हो गए। फॉल एलन की गिरी 5वें ओवर में ये जा रहे थे और 119 पे 3 आउट हुए। विल्सम 14.5 ओवर हो चुके थे, 126 पर 4 आउट हो रहा है। फिर इसी तरह निशान ने 15.4 ओवरों में ये चौथी विकेट खोई। ये बड़ी अहम जगह थी जहाँ से अब ये इसको विकेट गिरी। फिर उसके बाद 131 पर 5 आउट हुए। डी मैचुअल ने 16.6 ओवर पर ये विकेट गिरी थी, 16 ओवर हो चुके थे जिसमें विकेट गिरी थी। 35 पर 6-17 और फिलिप्स की विकेट गिरी। बहरहाल मोहम्मद अली ने इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग की जब न्यूजीलैंड को, तो 1 ओवर में उन्होंने 4 स्कोर किया, 1 ओवर किया 4 स्कोर दिया। वॉक ने आके 4 ओवर 33 2 आउट किए। अब्दुल रशीद ने, आदिल रशीद ने 4 ओवर 33 कोई आउट नहीं किया। कुरैन ने 4 ओवर 26 2 आउट किए। वुड ने आके 3 ओवर 25 1 आउट किया। लिवस्टोन ने 3 ओवर 26 कोई आउट नहीं किया। स्टॉक 1 ओवर 10 स्कोर और 1 आउट। बहरहाल ये मैच अब न्यूजीलैंड ने हार गए और इंग्लैंड ने ये मैच जीता। इंग्लैंड का रन रेट भी अच्छा हुआ है। न्यूजीलैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बिटवीन ये टकरा पड़ गया है और अब देखते हैं कि आगे इन ग्रुप में से कौन जाता है। बहरहाल एक अच्छी इनिंग्स खेली गई इंग्लैंड की तरफ से और 179 बहुत अच्छा टारगेट दिया गया और ये बात इस चीज़ को शो करती है कि T20 के मैच के ग्रुप मैचेस अब मजीद मज़ेदार होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि T20 की ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है। पाकिस्तान बी ग्रुप में है। पाकिस्तान का अगला मैच 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ है। पाकिस्तान को अपने दोनों मैच एक अच्छे टारगेट के साथ जीतने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच एक अच्छे टारगेट से जीतते तो हो सकता है कि कुछ अच्छे चांस बन जाए, क्योंकि अभी इस वक्त बारिश हो रही है और इंडिया के मैच के दौरान बारिश शुरू होगी। अब अगर बारिश नहीं रुकी तो दोनों को DLS के तहत एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा और पाकिस्तान से वो पॉइंट बढ़ती पर रहेगी। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों पहले क्वालिफाई के पॉइंट पहुंची हुई हैं। इंडिया ने अपने 2 मैच खेलने हैं, पाकिस्तान ने भी अपने 2 मैच खेले। पाकिस्तान 3 मैचों में से 2 हारा, 1 जीता और एक अच्छी शानदार विक्ट्री से जीता है।
और इस वक्त अब नैदरलैंड से जो लास्ट मैच आज अब तीसरे मैच पे इनका फोकस है, जो 3 तारीख को जो मैच होना है साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर आखिरी मैच रह जाएगा बांग्लादेश के साथ। दोनों मैच पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हैं, दोनों ही एक हाई स्कोर से जीतने पड़ेंगे। और इस तरह T20 का ये वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट पाकिस्तान हो सकता है बाहर हो जाए, क्योंकि आज इंडिया को एक फ्री पॉइंट मिल जाना, इंडिया यकीनन आगे चला जाएगा और फिर ये साउथ अफ्रीका के लिए कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो अगला मैच, अगर वो साउथ अफ्रीका हारता है और अगला मैच उससे भी ज़्यादा क्लीन स्कोर से जीतता है, तो फिर शायद कोई चांसेस बन सके। तो आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।